हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ये एक हाइलाइटर स्टिक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एंड मैं इसे पिछले 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ और अब इसकी डेट ख़त्म होने वाली है। सो मैंने बहुत बार तो यूज़ नहीं किया है बिकॉज बहुत सारे हाइलाइटर्स हैं जो मैं वीडियो शूट के लिए यूज़ कर लेती हूँ। सो ये बेसिकली ये जो स्टिक वाली है ना, ये मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ जब मुझे थोड़ा क्रीमी सा ग्लो चाहिए होता है पाउडर के कंपेरिजन में, बिकॉज लिक्विड हाइलाइटर्स आई हैव वन बट मुझे कुछ खास लिक्विड हाइलाइटर्स पसंद नहीं है। लिक्विड हाइलाइटर्स ना सिर्फ आपको फाउंडेशन में मिक्स करके लगाने के लिए या फिर फाउंडेशन से पहले लगा लिया थोड़ा सा ग्लो के लिए तभी तक अच्छा लगता है, अदरवाइज़ पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद हाइलाइटर लगाने के लिए तो ये स्टिक या फिर पाउडर वाले ही अच्छे लगते हैं। सो पाउडर वाला बेसिकली विंटर्स के सॉरी समर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड कई बार पाउडर वाले ऐसे हो जाते हैं, कुछ चंकी होते हैं जो ब्लेंड नहीं होते। वैसे पाउडर क्या लिक्विड स्टिक सारे हाइलाइटर्स के साथ ऐसा होता है, बट दिस फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो इल्यूमिनेटर स्टिक, ये आप देख सकते हैं ये जो स्टिक है राइट। एंड ये बहुत आसानी से ब्लेंड भी हो जाता है एंड बहुत प्रीटी दिखता है, बहुत नेचुरल लगता है। 2 लेयर लगा लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा एंड थोड़ा सा लगाओगे तो डे टाइम के लिए परफेक्ट आपको मिल जाता है। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है एंड इसकी प्राइस है, आई थिंक इसकी प्राइस है 399 रुपीज़। 2 साल पहले इसकी प्राइस थी, अभी इसकी प्राइस कितनी है मुझे नहीं पता। मैंने हॉक मेकअप से लिया था, वेट एंड वाइल्ड एंड मेकअप रेवोल्यूशंस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो हॉक मेकअप में आपको बहुत जेन्युइन मिल जाते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है हॉक मेकअप साइट की, आप वहाँ से ले सकते हो एलेगर्ल वेट एंड वाइल्ड वगैरह। एंड वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट्स ना मेकअप रेवोल्यूशन से तो आधे दाम में मिल जाते, बहुत अफोर्डेबल है। इनके आई शेडोज जैसे कि ये 399 का है, आई शेडोज इसके 200 300 400 में मिल जाते हैं। एंड फाउंडेशंस भी मेबलिन फिटमी के रेंज में मिल जाता है। वैसे इसका फाउंडेशन मैंने ट्राई नहीं किया है। एनीवेज, सो दिस हाइलाइटर, ये जो शेड है, ये शेड नेम जो है When the Nude Strikes, ये शेड नेम है। सो ये जो शेड है ना थोड़ा सा पिंक टोन में है बट वार्म पिंक टोन में है, एकदम कूल टोन में नहीं है। तो मेरी स्किन टोन वार्म है, कूल नहीं है, तो ये मेरी स्किन टोन पे बहुत प्रिटी लगता है। ये देख सकते हो, अभी मैंने मेकअप नहीं लगाया है तो भी ये इस तरीके से ग्लो आपको दिखाई दे रहा है। एंड इसमें अलग अलग शेड्स भी अवेलेबल है, गोल्डन शेड भी अवेलेबल है अगर आप डीप स्किन टोन के हैं या आप डस्की टोन के हैं, देन आप गोल्डन वाला भी ले सकते हो। आई थिंक 2 या 3 शेड्स में अवेलेबल है, बिकॉज मैंने इसे 2 साल पहले लिया था तभी देखा था, अभी मैंने इसे देखा नहीं है कि कितना अवेलेबल है। अवेलेबल अमेजोन में तो मुझे नहीं दिखाई दिया, अभी मैंने सर्च किया तो, एंड हॉक मेकअप में ये अवेलेबल है। एंड आई रियली लाइक दिस, एंड इस तरीके से आप इसे ट्विस्ट करोगे तो ये बाहर आ जाता है। एंड जस्ट लाइक लिपस्टिक जैसा मैकेनिज्म है इसका, ये देखो राइट। सो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है आपको हाइलाइटर की। सो ये मुझे काफ़ी पसंद आया एंड इसीलिए मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक दिस। एंड ये कितना कंपैटिबल है एक पैलेट के कंपैरिजन में, आप इसे समर्स में भी यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू हैव टू ऑयली स्किन, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तब मत लेना। एंड कॉम्बिनेशन नॉर्मल ड्राई स्किन है तो आप ये ले सकते हो समर में भी। एंड विंटर्स के लिए तो मैं इसे हमेशा अपने मेकअप बैग में रखती हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा कंपैटिबल एंड ट्रैवल फ्रेंडली, काफ़ी टाइट पैकेजिंग है, आसानी से ट्रैवल हो जाता है इसके साथ। आई रियली लाइक दिस वन, आई रियली रिकमेंड दिस वन। एंड अगर ये अमेजोन में अवेलेबल होगा देन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना अमेजोन का शॉप, मैंने एक लिस्ट बनाकर रखी है जिसमें मैंने अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं जो मैं मेकअप शूट के लिए, अपने स्किन केयर के लिए, अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ या अब तक करती आई हूँ, वो सारे प्रोडक्ट्स के मैंने लिस्ट बनाकर रखे हैं। सो एक हाइलाइटर का भी सेक्शन मैं बना दूँगी अगर ये
अवेलेबल होगा अमेज़ॉन में, तो अदरवाइज़ आप दूसरे स्टिक बेस हाइलाइटर भी ले सकते हैं जो मैंने यूज़ किया, मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी, या जिनके अच्छे खासे रिव्यूज़ मैंने सुने हैं और मैं खुद ट्राई करना चाहती हूँ, ऐसे वाले प्रोडक्ट ही मैं लिस्ट में डालूंगी, आप एक बार चेक ज़रूर करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। प्लीज़ ट्राई दीज स्टिक टाइप ऑफ हाइलाइटर्स फॉर योर स्किन, फॉर योर फेस इन दीज यू नो थोड़ा ठंडे से विंटर्स आने वाले हैं, ऐसे सीजन में ये स्टिक वाले ट्राई करना। लिक्विड वाले तो यार पता नहीं क्यों, लिक्विड लगाओ ना तो अंदर का मेकअप भी हट जाता है वहाँ से, तो वो अच्छा नहीं लगता है। सो आई लाइक दिस।